दोस्तों, एक सूफी संत मरने वाले थे। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आप इतने महान और सिद्ध संत थे, लेकिन आपने आज तक ये नहीं बताया कि आपके गुरु कौन थे। संत बोले, मेरे बहुत से गुरु हैं, सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। शिष्य बोले, फिर भी आपके लिए सबसे बड़ा गुरु कौन था। संत बोले, आज से करीब 35 साल पहले देर रात मैं एक गाँव से गुजर रहा था। रात बहुत घनी थी, जंगली एरिया था। मैंने गाँव में रुकने की सोची। मुझे गाँव में कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक चोर आधी रात दीवार कूद रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे रुकने के लिए जगह चाहिए, क्या आप एक रात रुकने की व्यवस्था करवा देंगे। चोर ने ईमानदारी से कहा, मैं एक चोर हूँ, अगर तुम निडर हो तो चलो मेरे घर रुक सकते हो। मैंने हामी भरी और चोर के पीछे हो लिया। चोर ने आधी रात मुझे अपने घर में जगह दी और बोला, तुम यही रुको, मैं चोरी का काम पूरा करके 4 बजे वापस आऊंगा। संत रात भर डर के मारे सो ना सका। चोर सुबह 4 बजे अंधेरे में वापस आया। संत ने पूछा, आपको आज चोरी में क्या मिला। चोर ने कहा, आज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी में रातों की कमी थोड़ी ना है, कल फिर से कोशिश करूंगा। संत बोले, चोर ने इतनी गहरी बात कही कि मुझे खुद पर शर्म महसूस होने लगी। मेरे मन में आया, ये चोर कुछ पैसों की चोरी करना चाहता है, लेकिन इसमें इतना विश्वास है कि आज नहीं तो कल इसे सफलता मिलेगी। रातों की कमी थोड़ी ना है, कल फिर कोशिश करेंगे। और एक मैं हूँ जो ईश्वर के परम धन को पाना चाहता हूँ, और मुझ में थोड़ा भी सब्र नहीं है। मैंने उस चोर से प्रार्थना की कि क्या मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकता हूँ। चोर राजी हो गया। मैं 1 महीने तक उसके पास रुका, और हर रात वो चोर असफल होता और मैं उससे वही सवाल करता कि आज कुछ मिला या नहीं। चोर जवाब देता, नहीं आज भी कुछ नहीं मिला, लेकिन जिंदगी में रातों की कमी थोड़ी ना है, कल फिर कोशिश करेंगे। उसके इस विश्वास को देख मेरे अंदर भी विश्वास जाग गया कि आज नहीं तो कल मुझे मेरे मार्ग में निश्चित ही सफलता मिलेगी। भला जिंदगी में रातों की और कोशिशों की कमी थोड़ी ना है, कल फिर प्रयास करेंगे। कुछ साल बाद जब मुझे ईश्वर के दर्शन हुए, तो मैंने सबसे पहले मन में उस चोर का धन्यवाद किया और कहा, मेरे सच्चे गुरु तुम ही थे जिसने मुझे सिखाया कि आज नहीं तो कल कामयाबी जरूर मिलेगी, कोशिश करते रहो। दोस्तों, बड़े सपनों का पीछा कर रहे हो तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि एक ही प्रयास में आपको सब कुछ मिल जाए। दुनिया आपको गाली दे, परिवार वाले या रिश्तेदार नीचा दिखाए, तो भी अंधे बहरे गूंगे बनकर किसी को जवाब मत दो। सिर्फ ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जिंदगी में रातों की कमी नहीं है, जो घर से निकल गया वो भटकते भटकते ही सही, आज नहीं तो कल मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। महान सफलता लंबा समय मांगती है, समय आने दो, हम भी बताएंगे कि हम क्या चीज है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो गुड बाय कमेंट करें। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम आप तक कुछ अच्छा पहुंचाने में कितना सफल हो रहे हैं। कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर से किसी को हिम्मत जरूर मिलेगी। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। पूरी वीडियो इतने प्यार से देखने के लिए आपका धन्यवाद।